प्रधानमंत्री मोदी ने किया ऐसा काम, खुशी से झूम उठे सारे मुसलमान। एक स्वर में कर दिया ऐलान, जो बदलाव हुआ आज से पहले कभी नहीं देखा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता और आप देख रहे हैं NMF न्यूज। प्रधानमंत्री मोदी जब से सत्ता में आए हैं तब से देश में काफी बदलाव हुए। इन बदलावों का असर हर किसी पर हुआ। इतना ही नहीं, इन बदलावों की चर्चा देश से लेकर विदेशों तक में हुई। सबने इसे महसूस किया, लेकिन कुछ विरोधियों ने पीएम मोदी को लेकर एजेंडा चलाया। उन्हें ऐसा मुस्लिम विरोधी बताया कि देश के मुसलमान भ्रमित होने लगे। लेकिन ये विरोधी कब तक झूठ फैलाते? आखिरकार सच सामने आ ही गया। पिछले 9 सालों में पीएम मोदी ने जिस तरह से मुस्लिम समुदाय के लिए काम किया वो हर किसी ने देखा। खुद मुसलमानों ने भी इस बदलाव को समझा। आलम ये है कि देश का हर एक सच्चा मुसलमान इस वक्त नरेंद्र मोदी के साथ है। इतना ही नहीं, देश के ही मुस्लिम अक्सर मोदी विरोधियों को करारा जवाब देते हुए नजर आते हैं। हाल ही में ऐसा एक बार फिर हुआ जब मुस्लिम धर्मगुरुओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं और मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखने वाले बुद्धिजीवियों ने ऐलान कर दिया कि पिछले 9 सालों में जितना बदलाव उन्होंने देखा, इससे पहले इतना बदलाव कभी नहीं देखा। मुसलमानों ने अपने दिल की बात उस कार्यक्रम में कही जो ईद मिलाद उन नबी के मौके पर IMF यानी इंडियन माइनॉरिटी फाउंडेशन की तरफ से आयोजित किया गया था। इस खास कार्यक्रम में लेखक एवं सामाजिक पसमानदा कार्यकर्ता डॉक्टर फयाज अहमद फिजी, इस्लामी विद्वान डॉक्टर मौलाना कल्बे रुशैद रिजवी, सूफी फाउंडेशन मुरादाबाद के अध्यक्ष कशिश वारसी, सूफी इस्लामिक बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंसूर खान और पसमानदा कार्यकर्ता मोहम्मद मिराज रही समेत कई आध्यात्मिक गुरु, विद्वान, कवि और शिक्षाविद शामिल हुए। दिलचस्प बात यह है कि जहां एक तरफ ये कहकर झूठ फैलाया जाता है कि मोदी मुस्लिम के खिलाफ हैं, वो उनके साथ भेदभाव करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ खुद अब मुसलमान भी खुलकर समर्थन में आ गए। मुस्लिम कह रहे हैं कि पीएम ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास से ये सुनिश्चित किया है कि सरकारी नीतियों और विकास का लाभ समाज के हर वर्ग को जाए। इन मुस्लिम समुदाय के लोगों ने देश की प्रगति के लिए दुआ मांगी और साथ ही हिंदू मुसलमान एक साथ आगे बढ़ते रहे, इसका प्रण भी लिया। मुस्लिम पीएम मोदी के बारे में क्या सोचते हैं ये तो आपने देख लिया, लेकिन ये भरोसा कमाने के लिए नरेंद्र मोदी को काफी वक्त लगा। कुछ वक्त पहले पीएम ने मुस्लिमों को लेकर क्या कुछ कहा था, चलिए उनके बयान के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। आप फिलहाल इस खबर पर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर। 3 तलाक की वकालत करते हैं ये वोट बैंक भूखे लोग, मुस्लिम बेटियों के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं। दुनिया के अनेक मुस्लिम बाहुल्य देश, इसका इस्लाम से संबंध होता तो दुनिया का कोई मुस्लिम देश 3 तलाक खत्म नहीं करता। मुस्लिम बाहुल्य देश जहां पूरी तरह इस्लाम राज्य है वहां भी 3 तलाक बंद कर दिया है। मैं परसों इजिप्ट में था, मिस्र में 90% से ज्यादा सुन्नी मुसलमान समाज है और इजिप्ट में आज से 80-90 साल पहले 3 तलाक की प्रथा को समाप्त कर दिया, हमसे 90 साल पहले। अगर 3 तलाक इस्लाम का जरूरी अंग है तो पाकिस्तान में क्यों नहीं होता भाई? अगर 3 तलाक इस्लाम का जरूरी अंग है तो इंडोनेशिया में क्यों नहीं होता? अगर 3 तलाक इस्लाम का जरूरी अंग है तो कतर, जॉर्डन, सीरिया, बांग्लादेश, ये तो सारे मुस्लिम बस्ती वाले देश हैं, वहां पर उनको बंद क्यों कर दिया? मैं समझता हूं कि मुसलमान बेटियों पर 3 तलाक का फंदा लटका कर कुछ लोग उन पर हमेशा अत्याचार करने की खुली छूट चाहते हैं। यही लोग 3 तलाक का समर्थन भी करते हैं।